18 नवंबर को ग्रुप डी का रिजल्ट डेट वायरल हो रही है। 18 नवंबर को ग्रुप डी का रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्या है ऐसे कैटेगरी में लोग हैं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में भी ऐसे लोग हैं जिनके 48 आ रहे हैं, क्या उनको मौका मिल जाए। तो इतने ग्रुप डी के कॉमन स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रुप डी और एसएससी जीडी में भी फाइनल सिलेक्शन। आइए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप सब लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि आप लोगों को यहां पे 18 नवंबर को ग्रुप डी का रिजल्ट डेट वायरल हो रही है। कहने का मतलब है आप लोगों को यहां पे एक छोटा सा सबूत दिखाने वाला हूं कि वो रिजल्ट की जो 18 नवंबर की रिजल्ट है ना, वो डेट वायरल हो रही है और वो क्यों हो रही है, क्या रीजन है उसके पीछे। कई सारे मैंने यहां पे मतलब कई चीजें ऐसी चीजें देखी जिससे ये पता लग रहा है कि आप लोगों के यहाँ पे 18 नवंबर को ग्रुप डी का रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है, तो उसके बारे में देख लेंगे इसके बारे में। और दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, जो आप लोगों के डाउट आ रहे हैं उनको भी सोल्व करूंगा यहाँ पे। और 10 जोन का आरटीआई रिप्लाई आ गया है, तो उनका निचोड़ देखेंगे आखिरकार वो आरटीआई कहना क्या चाहते हैं, ग्रुप डी के संदर्भ में क्या बोलना चाहते हैं, क्या हकीकत है, क्या ग्रुप डी की अटेंडेंस को लेके एक 10 जोन का आरटीआई, ये पूरा का पूरा जो चीज़ को उसको निचोड़ निकालेंगे और उससे थोड़ा बहुत डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ के ऊपर क्या रियली में कट ऑफ बहुत कम नीचे चल जाएगा। और बताना चाहूँगा 10 जोन के आरटीआई रिप्लाई से तो ये भी पता लगता है कि यहाँ पे जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, ये जैसे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर 46 48 49 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, इनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे क्या है ऐसे कैटेगरी में लोग हैं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में भी ऐसे लोग हैं जिनके 48 आ रहे हैं, क्या उनको मौका मिल जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई जनरल कैंडिडेट का बंदा 48 पर सिलेक्शन ले जाएगा ग्रुप डी पे, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डी की, यहाँ पर ग्रुप डी वालों की यहाँ पे ये मांग स्वीकार कर ली गई है, तो ये कौन सी मांग थी जिसे यहाँ पे रेलवे ने स्वीकार कर लिया गया है और कई सालों की मेहनत को यहाँ पे स्वीकार किया गया है, उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें भी लगभग देखा जाए तो 25 के समथिंग वैकेंसी है, यानी 25,000 प्लस वैकेंसी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 25,000 वाले में से कम आप लोग ये मान के चलो 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ग्रुप डी का भी फॉर्म डाला हुआ होता है। जब इसमें से 25,000 में से अगर मैं 80 से 90% निकालना चाहूँगा, तो आप लोग देख सकते हो इतने ग्रुप डी के कॉमन स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रुप डी और एसएससी जीडी में भी फाइनल सिलेक्शन लेने की मुहिम बनाई हुई है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये भी उठता है कट ऑफ के ऊपर कितना असर पड़ेगा, और एनटीपीसी के बारे में तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ कि उसकी कट ऑफ को लेके। अब नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम सब लोगों को यहाँ पर मिलकर बात करनी चाहिए। दूसरा रोजगार मेला 22 नवंबर को लगने को जा रहा है, तो आखिरकार दूसरे जो मेला रोजगार मेला लग रहा है, क्या एक कम पड़ गया था कि जो दूसरा लगाया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस चीज़ के लिए लगाया जा रहा है। तो सारा क्वेश्चन जो भी आप लोगों के डाउट हैं मैं उन्हें यहाँ पर ईमानदारी और 100% जानकारी के साथ में सोल्व करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग यूँ ही सपोर्ट करते रहना, आप सब लोगों के यहाँ पर जो भी डाउट आ रहे हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो भी डाउट लेकर ले रहा हूं आप लोग देख सकते हो, ये सिर्फ आपके लिए ही मेहनत होती है, डाटा देख सकते हो, ये सारी चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ आपके लिए ही मैं लिखता हूं, ये मेहनत करिए आप सभी लोगों के लिए, ये आप लोग जो भी देख सकते हो, ये आरटीआई रिप्लाई सारा जानकारी है इस वीडियो के अंतर्गत, ये आप लोग देख सकते हो, ये आरटीआई रिप्लाई कई सारी जानकारी है, कमेंट भी ले लेता हूं आपका सभी लोगों के यहाँ पे, जो भी जानकारी होती है न्यूज़पेपर की रही वो भी सारी चीजें मैं लेके आया हूं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं और आप लोग सब। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि ग्रुप डी रिजल्ट को लेके, और वो ग्रुप डी रिजल्ट को लेके जो डेट आ रही है ना, उसने दिमाग को खराब कर दिया। मतलब कि 18 नवंबर के रिजल्ट ग्रुप डी रिजल्ट जो डेट वायरल हो रही है ना, उसके आप लोग राज सुन लो क्या है दोस्तों। दरअसल क्या है मैं बताना चाहूँगा, ये कई मैंने कल यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट किया था, कई जगह मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा है और मेरे कमेंट बॉक्स में भी देखा है, इसी चैनल के अपने चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लगातार कमेंट आए। मैंने ये आप लोगों को यहाँ पे एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, ये वाली कम्युनिटी पोस्ट की थी, इसके नीचे जाओगे आप लोग यहाँ पे, अभी भी चले जाना, अभी भी आप लोगों को दिखेगा, इसके नीचे जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे ये वाले देख सकते हो, ये 5,000 के समथिंग ये वोट किए हैं, और ये वाला देखो आप लोग, ये वाला यहाँ पे 37 कमेंट है, 37 कमेंट को आप लोग ओपन करोगे तो ये मेरे नहीं, कई सारे ऐसे भी हैं यूट्यूब चैनल जहाँ पे ये रिजल्ट है, मतलब कई सारे बच्चे कर रहे हैं कि 18 नवंबर को रिजल्ट आएगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये रहा आप लोगों के नीचे, ये आप लोगों ये वाला देखो कमेंट,
एक गर्ल्स का कमेंट है, मेरे पापा रेलवे में एम्प्लॉय है, ग्रुप डी रिजल्ट 18 नवंबर को आएगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे 17 लोगों ने बात कर ली आपस में, पता नहीं किस किस के बारे में बात करी है। यहां पे एक बार देख लेते हैं क्या बात करी है इन्होंने, एक बार इसको क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सोनू कर्मा, सोनू जी आए यहाँ पे, सोनू कुमार जी आए, इन्होंने बोला, इनसे ये बोल रहे हैं, रियली में सिस्टर क्या 18 नवंबर को ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, दिल धड़क रहा है ऐसे, प्लीज सच बोलो। तो इन्होंने नीचे इनको रिप्लाई क्या दिया है, इन्होंने शायद इनको रिप्लाई दिया है, नहीं दिया इनको, इन्होंने रिप्लाई दिया है, हाँ रिप्लाई दिया है, हाँ ये रहा रिप्लाई। सो एट द रेट आप देख सकते हो, बोला तो है मेरे पापा रेलवे में एम्प्लॉय है, जरूर आएगा देख लेना। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग चल रही हैं यहाँ पे, और लगातार कई कमेंट हैं यहाँ पे, क्या पोस्ट फर्दर पोस्ट है, मतलब कई सारे ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे ग्रुप डी रिजल्ट, ये देख लो सच में 18 नवंबर को ग्रुप डी का रिजल्ट आ रहा है, मतलब कई सारे यहाँ पे रिजल्ट को लेके पता नहीं क्या, और कई कमेंट मैंने देखे हैं ग्रुप डी ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब ये एक कमेंट नहीं है, मेरे कई ऐसे वीडियो जिनमें 18 नवंबर को ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, इस तरह की चीज़ चल रही है। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे पोस्टमार्टम कर देते हैं, हम लोग अच्छी तरह पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले भी 2018 की बात होगी आप लोगों को, 2018 में क्या हुआ था, ग्रुप डी रिजल्ट से पहले नोटिस दिया था और 2 दिन पहले नोटिस दिया था और 4 मार्च को रिजल्ट आ गया था। तो 2 मार्च को नोटिस दिया और 4 मार्च को ग्रुप डी बोल दिया, 4 मार्च को हम लोग रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये मान के चलो अगर 18 नवंबर को आ रहा होगा तो, और आज कितनी तारीख है, 14 तारीख है, तो 14, 15, 16 पता लग जाएगा, और 3 दिन और सवर कर लो यहाँ पे, ये कितने कितने झूठे हैं, कितने ये इस तरह के। पर ये कमेंट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कुछ भी कमेंट हो सकते हैं, क्या पता कोई फेक कमेंट हो ऐसे कर रहा हो। तो ऐसी चीज़ें वो चलती रहती हैं, ये कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा, जो भी चीज़ है वो सही नहीं है आप पे बताने के लिए, ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल यहाँ पे 18 नवंबर को आएगा, अगर आएगा तो वो आप लोगों को दिख जाएगा, 2 से 3 दिन की बात है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारा 10 जोन का RTI रिप्लाई। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कई जोन के यहाँ पे RTI रिप्लाई आते जा रहे हैं, तो अब देखें तो यहाँ पे 10 जोन के जो RTI रिप्लाई है उनमें से यहाँ पे निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार इनका निचोड़ क्या है, क्योंकि RTI का रिप्लाई तो हम दिख लेते हैं पर आर्टिकल असल में क्या निचोड़ निकल के आ रहा है, तो वहाँ से निचोड़ निकल के ये आ रहा है। आप लोगों यहाँ पे किसी भी जोन को देख लो, चंडीगढ़ में 34 या अटेंडेंस है, या अटेंडेंस है चंडीगढ़ में 34, रांची में 36, अजमेर में 42, बिलासपुर में 32 और सिकंदराबाद में 32, और किसी किसी जोन का यहाँ पे अब नो डाटा आ रहा है। नो डाटा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का अब ये मान लो, और किसी भी जोन की आप लोग यहाँ पे RTI लगा लो, अब आप लोग किसी भी जोन की RTI लगा लोगे आप लोग, तो ये आएगा अब आप लोगों के यहाँ पे रिजल्ट से लेकर RTI लगाओगे, और या आप लोग ये पूछोगे कितने कितने फॉर्म भरे, तो आप लोगों को क्या लिखा आएगा RTI में, अब नो डाटा लिखा जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे, ऑफिशियली चीज़ें भी देख पा रहे होंगे, ये भोपाल का RTI है। और आप लोग नीचे देखोगे यहाँ पे, नीचे हालांकि मैंने कट गए हैं, नीचे देखोगे आप लोग ध्यानपूर्वक, और ये आप लोगों का यारा, ये रेलवे रिक्रूटमेंट RRC मुंबई का है, तो इसमें भी RTI का रिप्लाई है। अरे इनको आप लोग निचोड़ निकालने की कुछ करोगे, अब जो सीक्वेंस बन रहा है ये आप लोगों का यहाँ पे, अब ये रिजल्ट को लेके बात हो रही है, यहाँ रिजल्ट को लेके ऑफिशियली जानकारी बात हो रही है, वहाँ तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देते हैं, उससे तो आप लोग छोड़ दो आप लोग यहाँ पे, यहाँ चीज यहाँ से चीज़ें निकल के ये आ रही है आप लोगों का ग्रुप डी रिजल्ट को लेके। जैसे आप लोग यहाँ पे RTI लगाएगा अब आप लोगों ने, तो RTI रिप्लाई में आप लोगों को ना तो फोन, बस नो डाटा लिख देगा वो, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं देगा, क्योंकि वो उसको पता है यहाँ पे रिजल्ट अंडर प्रोसेसिंग है, अब रिजल्ट आने वाला है ग्रुप डी का रिजल्ट, तो ग्रुप डी रिजल्ट में पता लग जाएगा उनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, फोरम को जानकारी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। जब तो आप लोग किसी भी देख लो आप लोग यहाँ पे अभी तक ये इस जोन का भी यहाँ पे भोपाल का भी आया और आप लोगों का मुंबई का भी आया, तो किसी में भी नो डाटा दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पूरा आप लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है, और ये 18 नवंबर को भी देख लेंगे क्या होगा, नहीं तो ये मान के चलो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में तो आप लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट आ ही जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा, अब मेन बात है हमारा ये वाली, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों को। तो रेलवे ग्रुप डी की जो मांग है वो सुन लो आप लोग, तो वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई मांग नहीं थी, मतलब वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई बात नहीं, मेन बात हुई है आप लोगों के यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा ग्रुप डी में, ये मान के चलो यदि ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी निकल रही है, तो 1 लाख में से आप लोगों के यहाँ पे जो वैकेंसी होती है वो 40 से लेके 45% तक, यानी 40 से लेके 45% जो पोस्ट की नाम होता है वो किस पोस्ट के पद होते हैं, वो होते हैं आप लोगों के यहाँ पे
ट्रैक मेंटेनर के पद होते हैं, तो ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट होते हैं इन्हीं का क्या आता है, इनको कहता है जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है, आपको का GDCE का डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है, रेलवे के थ्रू कराई जाती है। और वो ऐसा होता है मतलब ग्रुप डी के रिजल्ट में ग्रुप डी की नौकरी आप लोग दो साल कर लेते हो तो डिपार्टमेंटल थ्रू आप लोग यहाँ पे स्टेशन मास्टर है, टिकट क्लर्क रहा, कुछ भी बन सकते हो यहाँ पे। जो ट्रैक मेंटर वाली पोस्ट होती है ना, उनमें इस तरह का जो जीडीसी में उनका जो मतलब रिजल्ट थी ना सीटें, वो 10% थी, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो सर्वर थे जो नौकरी करते थे उनको परेशानी होती थी, वो प्रमोशन नहीं ले पाते थे क्योंकि 10% ही इनकी सीटें होती थी। अब इनको क्या कर दिया गया, इनके लिए रेलवे की जो इनको जो मांग चल रही थी इनकी स्वीकार कर लिया गया। अब इनको 10% नहीं, अब इनको GDC जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी होगी उनको 40% तक उनको यहाँ पे इनकी सीटें रिजर्व इनको रखी जाएगी। तो ये हो गया आप लोगों के यहाँ पे किस चीज़ को मांग की स्वीकार करिए उसके बारे में बता दी, वो ग्रुप डी की पोस्ट को लेके बात की थी यहाँ पे, उनको यहाँ पे प्रमोशन को लेके बात कर रहे थे यहाँ पे उसके बारे में। और आपका भी यहाँ पे जब आपको कि आपकी जॉब होगी तो आपके साथ भी वैसे होगा यहाँ पे, तो वो चीज़ें वो तो सोल्व हो गई। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का SSC GDO और NTPC रिजल्ट ग्रुप डी का कट ऑफ 100% असर पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, ये सिर्फ आप सब लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, जो NTPC और ग्रुप डी का रिजल्ट है यही भर्ती नहीं है, कई सारी ऐसी भर्ती हैं जो ग्रुप डी के बीच बीच में प्रोसेसिंग हुई है, कोई बच्चा कहाँ पिछड़ गया, कोई कहाँ पिछड़ गया, कोई नहीं यहाँ पे छोड़ दिया ग्रुप डी। तो कुल मिला के एक ही बात बोलूँ, यहाँ पे जो मौका मिलेगा वो कम मार्क्स वालों को भी मिल सकता है, 40 से 45 वालों को। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती एक ऐसी भर्ती है, यहाँ पे सिलेक्शन लेने के बाद भी यहाँ पे लोग बाग छोड़ते हैं इस पोस्ट को, रिजाइन देते हैं, रिप्लेसमेंट DV आते हैं आप लोगों के, जैसे कल एक और आए थे रिप्लेसमेंट DV, इस तरह की रिप्लेसमेंट DV चलती रहती है, फर्स्ट DV, सेकंड DV, थर्ड DV, फोर्थ DV, इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते रहिए। और अभी भी आप लोग देखो तो 2018 की भर्ती का यहाँ पे अभी भी मतलब थर्ड DV, फोर्थ DV, नाइन्थ DV इस तरह से चल रहे थे। तो कुल मिला के एक बात बोलूँ, कट ऑफ के ऊपर तो 100% असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो जो यहाँ पे SSC GDO में भर्ती में सिलेक्शन ले रहा है वो ग्रुप डी में भी तो सिलेक्ट हुआ है, तो ग्रुप डी की पोस्ट छोड़ेगा और SSC GDO में जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे को मौका मिल जाएगा, तो इसका तो असर पक्का पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा ये आप लोग देख पा रहे होगी, ये कमेंट ग्रुप डी की ज्वाइनिंग 25,000 कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट को पता है यहाँ पे, हाँ कुलदीप सैनी जी का कमेंट है यहाँ पे, इन्होंने भी बोला है कि ग्रुप डी पर असर पड़ेगा पक्का, इसके बारे में ले लिया और यहाँ पे इनको मैंने रिप्लाई भी दिया था। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों का नेक्स्ट है हमारा दूसरा रोजगार मेले लगेगा वो 45 अलग अलग स्थानों पर, तो इससे मतलब क्या है, तो पहले तो आप लोग ये पूरा का पूरा सुन लो आप लोग यहाँ पे, आप लोगों का जो पहला 22 अक्टूबर को लगा था धनतेरस के दिन लगा था, जिसमें से यहाँ पे 75,000 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इनको क्या किया गया था, नियुक्ति पत्र जो कि आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर होता है ना वो दिया गया था। तो ऐसे में हमारा आप क्वेश्चन ये उठता है जो 22 नवंबर को दोबारा होने जा रहा है सेकेंड रोजगार मेला होने जा रहा है, उसमें क्या कुछ होने वाला है, तो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे BSF होते हैं ना आप लोगों के, BSF ये मतलब पुलिस फोर्सेज होती है ना, जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये लिख रखा है यहाँ पे गृह मंत्रालय के मातहत वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में बड़ी संख्याओं में युवाओं की बहाली आई, जाहिर प्रधानमंत्री इन सबको नियुक्ति पत्र देंगे। बिल्कुल हाँ, इनको नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे रेलवे की कहीं नई वैकेंसी को लेकर इसमें बात की जा रही है, पर आप लोग ये मान के चलो आप लोगों का जो SSC डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कई नई वैकेंसी निकाली है, तो आप लोगों के यहाँ पे रेलवे शांत पड़ा हुआ है, बस आप लोगों यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट दे देगा और थोड़ा बहुत NTPC के लेवल 5 का रिजल्ट होने के बाद में बीच में आप लोगों को यहाँ पे कुछ खबरी देखने को मिल सकती है, जैसे यहाँ पे बंपर वैकेंसी आप लोगों का ALP का देखने को मिल सकता है, ALP और टेक्नीशियन का देखने को मिल सकता है, और भी आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल सकती है। तो ये सारे कुछ जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है वो सीक्वेंस में हर चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश करिए, तो आप लोगों के जो भी डाउट आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, उनको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।